मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो आप लोग तैयार हो जाइए, हमारा प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का है जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियाँ, खेलेंगे कुछ खेल, सुनेंगे एक बाल गीत, एक अंग्रेजी कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हर दिन इस प्रोग्राम के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा कक्षा 1 से 2 के लिए होता है और दूसरा हिस्सा कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए होता है। आज भी रोज की तरह हम सभी के साथ मिलकर करेंगे थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। हाँ हाँ बिटिया, हम तो एकदम तैयार हैं, लेकिन अपने चाचा जी से भी तो पूछ लो, वो क्या कहते हैं। क्यों भाई, मुझे क्या हुआ है, मैं तो हमेशा ही तैयार रहता हूँ। अब ही तो तुम कहते रहे कि आज बहुत थकावट महसूस होते है। हाँ हाँ, लेकिन मैंने कसरत करके अपनी थकावट मिटा ली है और स्नान करके तरोताजा भी हो गया हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत तेज काम किए हो। तो इसका मतलब ये है कि अब आप दोनों आज के कार्यक्रम के लिए एकदम तैयार हैं। खैर, तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम इस सुंदर बालगीत के साथ। इस बालगीत का नाम है तितली रानी और इस बालगीत को गाया है उत्प्रेक्षा ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा बालगीत। तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो। तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो। क्या तुम कोई शहजादी हो, परीलोक से आई हो। क्या तुम कोई शहजादी हो, परीलोक से आई हो। पंख अगर मिलते तितली के दूर दूर उड़ जाती मैं। पंख अगर मिलते तितली के दूर दूर उड़ जाती मैं। फूल फूल और कली कली पर उड़ती और मंडराती मैं। फूल फूल और कली कली पर उड़ती और मंडराती मैं। तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो। तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो। वाह भाई वाह, हर बार की तरह आज का बाल गीत भी मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों आलिया की अम्मा, तुम क्या कहती हो आज के बाल गीत के बारे में। ईमा कौनो कहने की बात है का, उत्प्रेक्षा बिटिया जौन भी बाल गीत गात है वो तो बहुत ही अच्छा होत है। वाकई चाची जी, आज का बालगीत सुनकर तो मन बहुत ही खुश हो गया। बालगीत में एक और तितली थी और दूसरी ओर उसके प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर पंख थे। एकदम सही बात कही है तुमने कोमल बिटिया, तितली और उसकी बात तो निराली ही होती है। अच्छा, अब ये बताओ कि बाल गीत सुने के बाद आज हम लोगन का खेल कौन कराए वाला है। चाची जी, अगर आप कहें तो आज का खेल मैं ही शुरू करवा देती हूँ। अरे बिटिया, ईमा कोनो पूछे वाली बात है, जल्दी से शुरू करवाए दे आज का खेल। ठीक है चाची जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा खेल। हमारे आज के खेल का नाम है आवाज दो कहाँ हो। अरे वाह, ये तो कोई नया खेल लगता है,
लेकिन बिटिया ये तो बताओ कि हम लोगों को ये खेल खेलना कैसे है। बिल्कुल अभी बताती हूँ मैं। हमारा आज का खेल अक्षरों से संबंधित है। इस खेल में हम लोगों को करना ये है कि हम एक दूसरे को एक शब्द बताएंगे और हमें उस शब्द के बीच वाले अक्षर को पहचान कर उसी अक्षर से कुछ शब्द बनाने होंगे। क्यों, समझ गए ना चाचा जी हमारा आज का खेल क्या है? हाँ हाँ, मैं एकदम से समझ गया हूँ तुम्हारा आज का खेल बिटिया। अगर समझ गए हो तो ये बताओ कि तालाब शब्द में बीच का अक्षर कौन सा है और उस अक्षर से कछु शब्द भी बना के दिखाओ तो जाने तुमका। अच्छा तो ये बात है, तुमने जो शब्द मुझे दिया था उसका बीच का अक्षर है ला, और ला अक्षर से मैंने जो शब्द बनाए हैं वो हैं लत, लाठी, लाल, लाली और लहसुन, जिससे हम लोग रोज सब्जी बनाते हैं। और लहसुन से बनी तड़के वाली दाल जब तुम बनावत हो वो तो बहुत बहुत मजेदार होत है। ये बात बोलकर हमारा ध्यान खेल से मत भटकाओ। ये बताओ कि अबीर शब्द में दूसरा अक्षर कौन सा है और उस अक्षर से तुम कौन कौन से शब्द बनाने वाली हो? तुम जौन शब्द हमका दिए हो वो शब्द का दूसरा अक्षर आए बा, और बा अक्षर से हम कुछ शब्द बनाए लिए हैं और ये रहे हमरे शब्द बल, बल्ला, बाली, बालक, बाजरा और बादल। वाह चाची जी, आपने जो वाक्य बनाए हैं एकदम सही और सटीक हैं। अब जरा आप बताइए चाचा जी, आसान शब्द में बीच का अक्षर कौन सा है और जरा उस अक्षर से कुछ शब्द भी तो बनाकर दिखाइए हम लोगों को। अभी बनाए देते हैं बिटिया। तो जो शब्द तुमने मुझे बताया है उस शब्द के बीच का अक्षर है सा, और सा से जो शब्द मैंने बनाए हैं वो हैं सच, समय, सामान, सवेरा, साथी और सबला। क्यों भाग्यवान, ठीक है ना जो शब्द मैंने बनाए हैं? वो सब तो ठीक है, लेकिन हमका सबला शब्द का मतलब समझ में नहीं आवा। जरा इका मतलब समझाए दो हमका। चाची जी, सबला मतलब होता है स्त्री या महिला। क्यों चाची जी, अब आप समझ गई ना इस शब्द का मतलब? हाँ हाँ बिटिया, तुम समझाओ और ना समझे ई तो कबहू नहीं हो सकत है। कोमल बिटिया, तुमने खेल तो हम लोगों को खिला ही दिया है, अब जरा एक अच्छी सी कहानी भी सुनने को मिल जाए तो मजा दो गुना हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहत हो तुम, अब तो हम लोगन का एक कहानी सुने का चाही। क्यों नेहा बिटिया, तुम का कहित हो? मैं भी बस आप लोगों को यही कहने वाली थी। तो चलिए आज की कहानी मैं सुनाती हूँ। आज की कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। हमारी आज की कहानी का नाम है मेरे पलंग के नीचे। इस कहानी को लिखा है अनूप लाल जी ने, तो चलिए सुनते हैं। मेरी आँख खुली, मुझे प्यास लगी थी, पानी लाने के लिए मैंने अपनी चप्पल ढूंढी। हाय, मेरे पलंग के नीचे शेर है, अब क्या करूं? माँ को बुलाऊं, कहीं शेर दहाड़ने लगा तो फिर से सो जाऊं, मगर नींद नहीं आती। अचानक किसी ने बत्ती जलाई, दरवाजे पर माँ खड़ी है। क्या बात है बेटा? माँ कहती है, मुझे बुलाया था? मैं शेर की ओर इशारा करता हूँ। माँ झुकती है और शेर को खींच कर बाहर निकालती है। अरे, कोई शेर वेर नहीं है, यह तो मेरा मोटा पीला काला स्वेटर है। इसके बटन शेर की आंखों की तरह चमकते हैं। मैं तो ऐसे ही डर गया। माँ मुझे पानी पिलाते हैं।
मैं सो जाऊंगा। जंगल में असली शेरों के सपने जो देखते हैं। ये कहानी तो एकदम खोदा पहाड़ और निकली चूहिया जैसी हो गई। जिसे उस बच्चे ने शेर समझा था वो तो बस एक स्वेटर ही निकला। ठीक कहा चाचा जी आपने, ये घटना तो कभी कभी किसी के साथ भी हो सकती है, और वो तो वैसे भी एक छोटा सा बच्चा ही था। वाह बिटिया, का बात कही हो तुम। खैर अब हमका ई बताओ कि ऊ बच्चों की आँख काहे खुली रही। भाग्यवान, तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो मैं ही दे देता हूँ। उस बच्चे की आँख इसलिए खुल गई थी क्योंकि उसे प्यास लगी हुई थी। वाह चाचा जी, आपका जवाब एकदम सही है। चाची जी अब आप बताइए कि उस बच्चे ने पानी पीने से जाने का क्या ढूंढा? बिटिया, वो बच्चा पानी पिए जाए से पहले आपन चप्पल ढूंढत रहा। नेहा बिटिया, अब तुम बताओ कि दरवाजा पर के खड़ा रहा? चाची जी, मैंने भी इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना है, इसलिए मैं बता सकती हूँ कि दरवाजे पर माँ खड़ी थी। नेहा बिटिया, तुमने जो जवाब दिया है वो तो बिल्कुल ठीक है। खैर कोमल, अब जरा तुम बताओ कि स्वेटर में कौन कौन से रंग थे? उस स्वेटर में दो रंग थे, पीला और काला, और उसी वजह से वो बच्चा उसे शेर समझ बैठा था और डर गया था। शाबाश कोमल, हर बार की तरह ई बार भी तुम कहानी को बहुत अच्छे से सुनी हो। आपने ठीक ही कहा है, कहानी हो या किसी की बात, हमें ध्यान से सुननी चाहिए। क्यों नेहा, आप क्या कहती हैं? भाई कोमल, मैं तो तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अच्छा अब अगर बात सुनने की चल रही है तो चलिए फोन लगाते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट को। उनका नाम है जानकी जी और वो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। हेलो जानकी जी, कैसी हैं आप? तो बताइए आपके क्या विचार हैं हमारी आज की कहानी पर? हमारे साथ रेडियो पर कई बच्चे जुड़े हैं और वे बहुत उत्सुक हैं आपके विचारों को जानने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम जानकी है। तो बच्चों, अभी आपने मेरे पलंग के नीचे एक कहानी सुनी। इस कहानी में एक बच्चा सो रहा होता है और उसे प्यास लगी होती है। वो जैसे ही पलंग से नीचे उतरता है, उसे पलंग के नीचे शेर दिखाई देता है, पर वास्तव में वह शेर नहीं होता बल्कि उसकी माँ का स्वेटर होता है, जिसे देखकर वह डर जाता है और उसे शेर समझ बैठता है। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, जो चीजें होती हैं वह दिखाई नहीं देती और जो दिखाई देती हैं सच में वह चीजें वैसी नहीं होती। अच्छा, आपने इस कहानी को ध्यान से तो सुना ही होगा। उसकी सहायता कौन करता है? उसकी माँ। जब भी हम परेशानी में होते हैं तो इसी प्रकार कोई ना कोई हमारी मदद जरूर करता है, जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी या दोस्त। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद जानकी जी, अपने विचारों को हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाह भाई वाह, कहानी सुनने के बाद कहानी पर हम लोगों ने बातचीत तो कर ही ली है। इस कहानी पर जानकी जी के विचार जानकर तो और भी मजा आ गया। चाचा जी, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अब समय हो गया है हमारे कार्यक्रम के दूसरे हिस्से को शुरू करने का। इस हिस्से में हम लोग करते हैं थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई कक्षा 3 से 5 के बच्चों के साथ। तो चलिए। बिल्कुल सही कहा नेहा आपने, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा। तो रेडियो पर हमारा आज का कार्यक्रम सुन रहे सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग कार्यक्रम के इस हिस्से में भी आप लोगों के साथ करते हैं थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी सी पढ़ाई। क्यों आलिया की अम्मा, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? एकदम ठीक कहत हो तुम,
लेकिन ई बतावो कि हमका पहले आज का करे का है। हमार मतलब है कि कौनो खेल खेले का चाही या कौनो कहानी सुना जाए। चाची जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले खेल ही खेलते हैं। लेकिन आज का खेल हमें कौन करवाने वाला है? चाचा जी, क्या आपके पास कोई खेल है हम लोगों को करवाने के लिए? हाँ हाँ बिटिया, मेरे पास एक खेल है जो आज हम लोग खेलने वाले हैं। तो खेल कुछ यूं है कि हम लोग आपस में एक दूसरे को कोई एक संख्या बताएंगे और हमें उस संख्या में 6 जोड़कर नई वाली संख्या बतानी होगी। हमका लागत है ई खेल से मिलत जुलत खेल हम लोग पहले भी खेल चुके हैं। खैर कौनो बात नहीं, आज फिर खेल लेई थे। तो सबसे पहले तुम बताओ कि 16 माह 6 जोड़े पर नई संख्या कौन सी होई? मैंने ही खेल शुरू करवाया और पहला सवाल तुमने मुझसे ही पूछ लिया। खैर तो अब अपने सवाल का जवाब भी सुन लो। 16 में अगर हम 6 और जोड़ दें तो नई संख्या होगी 22। कोमल, अब जरा तुम बताओ कि अगर हम 53 में 6 जोड़ दें तो नई संख्या क्या होगी? अच्छा चाचा जी, ठीक है, अभी बता देती हूँ आपके सवाल का जवाब। 53 में अगर हम 6 और जोड़ देते हैं तो नई संख्या बनेगी 59। नेहा, अब जरा आप बताइए कि 42 में 6 जोड़कर नई संख्या क्या बनेगी? मेरा नंबर भी आ ही गया। तो कोमल, ये रहा तुम्हारे सवालों का जवाब। अगर हम 42 में 6 को जोड़ दें तो नई संख्या होगी 48। क्यों चाचा जी, मेरा जवाब सही है ना? हाँ हाँ नेहा बिटिया, तुम्हारा जवाब हमेशा की तरह बिल्कुल सही है। तो चलो अब इस खेल को एक बार फिर से खेलते हैं। कोमल, जरा तुम बताओ कि 59 में अगर 6 जोड़ दें तो नई संख्या कौन सी होगी? चाचा जी, 59 में अगर 6 जोड़ दें तो नई संख्या बनेगी 65। चाची जी, अब जरा आप बताइए 86 में 6 और जोड़ने पर कौन सी संख्या बनेगी? बिटिया, अगर हम 86 में 6 और जोड़ दे तो नई संख्या बनी है 92। क्यों, तुम का कहत हो, हमारा जवाब ठीक है कि नहीं? अरे हाँ हाँ भाग्यवान, तुम्हारा जवाब सही है। तो बच्चों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने भी हमारे आज के खेल को ठीक से समझ लिया होगा। आप लोग भी अपने घर में रहते हुए इस खेल को अलग अलग संख्याओं की मदद से अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ जरूर खेलिए। क्यों बच्चों, खेलोगे ना हमारा आज का यह खेल अपने घर में रहकर? जरूर खेलेंगे चाचा जी। रेडियो पर हमारा कार्यक्रम सुन रहे बच्चे बहुत ही समझदार हैं। खैर, अब समय हो गया है एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी सुनने का। इस कहानी को लिखा है संजय जायसवाल जी ने। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को, और कहानी सुनने के बाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगी महक। जंगल का राजा शेर, धाड़ता तो जंगल कांप उठता। 2 दिन से उसके दांत में दर्द था। महाराज, दांत उखड़वा दीजिए, डॉक्टर बंदर ने राय दी। ठीक है, शेर ने कहा। शेर का दांत कौन उखाड़े, सभी डरते थे। महाराज, मैं दुलत्ती मार दूं, दांत खट से बाहर आ जाएंगे, मूर्ख गधे ने कहा। तू राजा को लात मारेगा, शेर दहाड़ उठा। घबराया गधा दूम दबाकर भाग लिया। हाथी, चीता, भालू, हिरण सब परेशान। राजा के मुंह में हाथ कौन डाले? महाराज, मैं देखूं, एक रात चूहे ने अकेले में कहा। ठीक है, शेर ने मुंह खोल दिया। अरे, यहाँ तो बहुत गंदगी भरी है, चूहे ने भीतर झांका। उसने अपने नुकीले दांतों से गंदगी साफ कर दी। शेर का दर्द ठीक हो गया। महाराज,
दांत रोज साफ कीजिए वरना ये सड़ जाएंगे, चूहे ने समझाया। ठीक है, पर तुम यह बात किसी को बताना नहीं, वरना सभी कहेंगे कि राजा गंदा है। शेर ने विनती की। ठीक है, चूहा हंस पड़ा, शेर भी हंस पड़ा। नेहा, कहानी तो आपने बहुत ही अच्छी सुनाई है, लेकिन अब जरा अपनी आज की मेहमान से तो पूछ लूं, उन्हें आज की कहानी कैसी लगी? कोमल दीदी, आज की कहानी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। महक बिटिया, स्वागत है तुम्हारा हमारे आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चाचा जी, मैं तो बहुत दिनों से आप लोगों से मिलना चाहती थी, अच्छा हुआ जो आज आप लोगों से मुलाकात हो गई। महक बिटिया, हम लोगन का भी तुमसे मिलके बहुत अच्छा लागत है, लेकिन ई बतावो कि कहानी माँ जंगल का राजा कौन रहा और उका हुआ का रहा? चाची जी, कहानी में जंगल का राजा शेर था और उसके दांत में दर्द था। महक बिटिया, अब जरा मेरे भी एक सवाल का जवाब दे दो, ये बताओ कि शेर को किसने दांत उखड़वाने की सलाह दी थी? चाचा जी, शेर को दांत उखाड़ने की सलाह डॉक्टर बंदर ने दी थी। अरे वाह महक, तुमने तो कमाल कर दिया, इससे पता चलता है कि तुमने इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना है। तो चाचा जी, अब मेरा एक सवाल आपसे है, शेर को दुल्लती मारने के लिए किसने कहा था? ये तो तुमने बहुत ही मजेदार सवाल पूछा कोमल बिटिया, ये बात गधे ने शेर को बोली थी। उसके बाद जब शेर हो राया तो गधा वहाँ से भाग निकला। चाची जी, अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि चूहे ने शेर के मुंह में झांक कर क्या कहा था? महक बिटिया, चूहे ने शेर के मुंह में झांक कर कहा रहा कि तुम्हारे मुंह में बहुत गंदगी आए। उसके बाद क्या हुआ ये कौन बताएगा? उसके बाद तो चूहे ने अपने नाखून से गंदगी को साफ कर दिया और शेर के दांत का दर्द खत्म हो गया। उसके बाद चूहे ने ये भी कहा, अपने दांत रोज साफ किया करो, नहीं तो ये सड़ जाएंगे। तो बच्चों, अब कुछ सवाल आप लोगों के लिए भी है मेरे पास। मेरा पहला सवाल, कहानी में कितने जानवरों के नाम आए हैं, जरा उनकी एक सूची तो तैयार कीजिए। दूसरा सवाल, जंगल के राजा शेर के दांत में दर्द की वजह क्या थी? और मेरा तीसरा और आखिरी सवाल, हमें अपने दांत रोज क्यों साफ करने चाहिए? अरे वाह चाचा जी, आपने तो बहुत ही मजेदार सवाल पूछे हैं हमारे बच्चों से। नेहा, क्या आज आप हम लोगों को एक इंग्लिश की कविता सुना सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा कोमल, जो तुमने याद दिला दिया, मैं तो बस अभी यही बात करने वाली थी। हमारी आज की इंग्लिश कविता को पढ़कर सुनाया है उत्प्रेक्षा बिटिया ने, तो चलो सुनते हैं। Listen to the big drum. नेहा बिटिया, बहुत ही मजेदार इंग्लिश कविता सुनाई है तुमने, मजा आ गया सुनकर। और तो और, मैंने ये कविता सुनकर गुनगुना भी लिया है। क्यों आ लिया की अम्मा, तुम भी सुन रही थी ना? हाँ हाँ, हमहू सुनत रहन। उत्प्रेक्षा बिटिया जोन भी कविता पढ़त है वो तो मजेदार ही होत है, लेकिन अब हमका ई कविता का मतलब भी समझाए देओ तो और मजा आई जाए। अरे भाग्यवान, इस कविता में आए दो शब्दों का मतलब तो मैं भी तुम्हें बता सकता हूँ। एक है बिग,
जिसका मतलब होता है बड़ा, और दूसरा है ड्रम, जिसका मतलब होता है ढोल यानी कि नगाड़ा। अरे वाह चाचा जी, ड्रम शब्द की हिंदी तो मुझे भी नहीं आती। अच्छा हुआ जो आपने मुझे ये हिंदी वाला शब्द भी सिखा दिया। महक पिटिया, क्या तुम इस कविता का कोई शब्द हमें हिंदी में बता सकती हो? हाँ हाँ चाचा जी, जरूर बता सकती हूँ। इस कविता में एक शब्द आया है ट्रायंगल, जिसका मतलब होता है त्रिभुज। वाह महक बिटिया, अब हम हूँ सीख गए हैं तुम्हारे बताए गए शब्द का मतलब। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि इस कविता में यह भी बताया गया है कि अगर हम किसी बाजे को बजाते हैं तो उसकी आवाज कैसे सुनाई आती है। कोमल बिटिया, ये तो और भी अच्छा हुआ कि तुमने इस इंग्लिश कविता का पूरा सार भी हम लोगों को हिंदी में समझा दिया। चाचा जी, चाची जी, रोज की तरह आज भी हम लोगों ने कुछ खेल खेले और कुछ कहानियां भी सुनी, लेकिन अब घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही हैं कि हम आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करें। तो कल आप सभी से फिर भेंट होगी, तब तक के लिए बाय बाय। भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ, शिक्षा की एक बात सुनाऊं थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ, सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू।